क्या पोर्नोग्राफी का असर सुहागरात में होता है? इसके बारे में बातचीत करते मेला में डॉक्टर दीपक केळकर, में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। सुहागरात जो रहती है, शादी के बाद पहली बार आपका सेक्स हो रहा है, पति पत्नी साथ में सो रहे हैं, तो वो जो पहली रात रहती है, पहले संबंध रहते हैं, तो उसके ऊपर पोर्नोग्राफी का क्या असर होता है, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। देखिए कि पोर्नोग्राफी जब देखते हैं ना लड़के लोग या कोई लड़की लोग भी, तो उनके दिमाग में एक सेक्स के बारे में एक आइडियल चित्र रहता है तैयार, कि पोर्नोग्राफी में जो पॉर्न स्टार रहते हैं उनके लिंग बहुत बड़े बड़े बताते हैं। अभी वो फोटोग्राफी है और वो बताते हैं कि सेक्स हो रहा है तो सेक्स में आधा आधा एक एक घंटा सेक्स चालू है, तो सेक्स के बारे में एक इमेज ऐसी तैयार हो जाती है कि सेक्स आधा एक घंटा होना चाहिए, सेक्स में मतलब इस तरह से करना पड़ता है, ये ऐसी उसकी मेथड है और लिंग का साइज इतना बड़ा होना चाहिए, ऐसा एक दिमाग में रहता है लड़की के और लड़के के। और फिर वो बैकग्राउंड में रख के वो एक दूसरे के पास में आते हैं और सुहागरात मनाते हैं। पहले सुहागरात बोले तो क्या होता है कि उनके दिमाग में टेंशन, वरी, चिंता, मैं सक्सेसफुल हूंगा नहीं हूंगा। फिर क्या होता है कि शादी के बाद, मतलब शादी जिस दिन होती है उस दिन या बाद में रिसेप्शन है, शादी के दो चार दिन पहले बहुत भागा दौड़ी चलती रहती है, तो फिजिकल एग्जर्शन होता है, अनिन होती नहीं है। फिर शादी का दिन धूमधाम, शादी के बाद में भी एक दिन है रिसेप्शन का, और फिर बाद में तुरंत सुहागरात, तो फिजिकली काफ़ी टायर्ड होते रहते हैं, बहुत टेंशन स्ट्रेस रहता है, खान पान बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। और फिर इसमें सेक्स करने की इच्छा नहीं होने के बावजूद भी, मतलब बहुत एक्साइटेड नहीं है, एनर्जी नहीं है, तभी भी उनको लड़का लड़की को सुहागरात में कमरे में धकेल लिया जाता है जबरदस्ती कि आज तो तुमको करना ही है। और जब दिमाग में ऐसा कुछ तो भी इमेज है और करना ही पड़ता है, थके हुए है ऐसे, इसमें फिर अलग अलग सवाल दिमाग में खड़े हो जाते हैं। जब टेंशन है, दिल में धड़कन है, होगा नहीं होगा ऐसा है, वो क्या बोलेंगी, नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे वो निकल जाएंगे क्या, उसको क्या लगता है, ऐसे काफी सारे विचार है और उसमें बहुत चांसेस ऐसे कि सेक्स ही नहीं होगा। समझो सेक्स होता है और लड़की के दिमाग में ऐसा है कि लिंग का आकार इतना बड़ा होना चाहिए, तो उसको लगेगा कि सेक्स हुआ ही नहीं है और मेरे पति का लिंग इतना बड़ा नहीं है, इसका मतलब वो आदमी नहीं है। तो ऐसे कुछ गलत फहमियाँ पोर्नोग्राफी से आती है, तो पोर्नोग्राफी देखना कभी भी अवॉइड करना चाहिए। पोर्नोग्राफी एक्चुअली सेक्स नहीं है। देखो हम पिक्चर में बहुत सारी बातें देखते हैं और वो क्या सच होती है अपने लाइफ में? नहीं। पिक्चर में तो ऐसे बताते मार धाड़, बड़े बड़े सीन्स कि जो हम सोच भी नहीं सकते कि एक्चुअल लाइफ में हो सकते हैं क्या, मगर वो फोटोग्राफी रहती है। वैसे ये फोटोग्राफी है, उनको आर्टिफिशियल लिंग भी बिठाया रहता होगा या उनको दवाई दी रहती, स्टेरॉइड दिए रहते और उनसे भी उनका लिंग बड़ा किया रहता है। तो इसमें वो कुछ आदर्श ऐसा पकड़ के कभी दिमाग में रखे और वहां से हम अपना सेक्सुअल लाइफ की शुरुआत करें तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने आपको ये बोलना है कि भाई लिंग का आकार जो है वो एक इंच से कम नहीं होना चाहिए, बाकी बड़ा कितना भी चलता है, एक इंच से यदि कम हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। और पहले दिन रात को हो सकता है कि शायद होगा भी नहीं, सक्सेसफुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कैसा करना है, आप उसमें उतने मैच्योर नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसे इसमें दिमाग शांत रखना, कूल रखना, दो चार दिन जाने दो। और इसलिए हमारे इसमें ऐसी एक कल्चर में यह है कि भाई प्रथा है कि भाई आप हनीमून के लिए चले जाओ, घर के बाहर जा रहे, फिर वहाँ आराम कर रहे, खाना पीना और सोना और आराम करना, उसमें अच्छा सेक्स होगा, आपका सेक्सुअल लाइफ आप एंजॉय करेंगे, इसलिए उनको घर से बाहर भेजते। तो जब हनीमून के लिए भी जाएंगे तो वहाँ भी बहुत धूमधाम भागा दौड़ी करने का नहीं है, शांति से आराम से दिन बिताने के, ताकि आपका सेक्स लाइफ अच्छी तरह से आप चल सके और आपके जीवन में सेक्स अच्छी तरह से लॉन्च हो सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।